क्या आप जानते हैं कि भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या मात्र 57,264 है और यहूदी समुदाय की जनसंख्या लगभग 6,000 के आसपास है। पारसी समुदाय भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है। आप देख रहे हैं जनरल स्टडीज टुडे। आइए चर्चा करते हैं भारत में अल्पसंख्यक वर्गों की स्थिति और उनसे संबंधित योजनाएं। 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने यहूदी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया। यहूदी धर्म की स्थापना पैगंबर अब्राहम के द्वारा 2000 ईसा पूर्व में की गई थी। भारत में इनकी जनसंख्या लगभग 6000 के आसपास है। यह समुदाय भारत में लगभग 2300 सालों से रह रहा है। यहूदी समुदाय का पवित्र ग्रंथ तनख, जिसे बाइबिल का प्राचीन भाग माना जाता है। यहूदी धर्म इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। भारत में यहूदियों की जनसंख्या सबसे अधिक लगभग 2500 महाराष्ट्र में निवास करती है। भारत में अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति पर अगर गौर करें तो 6 धर्मों को भारत में अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी हैं। पॉपुलेशन और ग्रोथ इस टेबल में दिखाए गए हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर आधारित है। ये मुस्लिम की पॉपुलेशन लगभग 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और पारसी की जनसंख्या 0.003% है। मुस्लिम ग्रोथ परसेंट 24.6% और पारसी की ग्रोथ परसेंट -18% है, जो कि चौंकाने वाला है। इसके पीछे पारसी समुदाय की रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं। जैसे पारसी समुदाय की माँ गैर पारसी समुदाय के पिता की संतान पारसी समुदाय में सम्मिलित नहीं की जाते। ऐसे तमाम इनके रीति रिवाज मान्यताएं हैं, जिस कारण से इस वर्ग धर्म की जनसंख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गौर करते हैं, हिंदू पॉपुलेशन 79.8% है और 16.8% इसकी ग्रोथ है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जानकारी दी गई है। भारत में पारसी समुदाय की स्थिति पर अगर एक नज़र डालें तो कुल आबादी इनकी 57,264 है। प्रतिवर्ष मौत का जो आंकड़ा था वो 800 और जन्म का 200, ये 2014 तक की स्थिति है। जियो पारसी योजना के लागू होने के बाद प्रतिवर्ष जन्म दर में ग्रोथ हुई है और ये 240 है पहुंच गया है। बुजुर्गों की आबादी कुल आबादी का लगभग 30% है। ये आंकड़े जियो पारसी योजना के तहत उठाए गए हैं। भारत में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आइए इन पर गौर करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें जियो पारसी योजना, पढ़ो परदेश, उस्ताद, सीखो और कमाओ, हमारी धरोहर योजना, उड़ान स्कीम, नई उड़ान, नई मंजिल योजना, नई रोशनी योजना और नया सवेरा योजना। इन योजनाओं के बारे में आइए संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं। क्या है उद्देश्य है इन योजनाओं का? जियो पारसी योजना 2014 में प्रारंभ की गई। इस योजना को लगभग 3 वर्ष पूरे हो गए हैं और योजना के सकारात्मक लक्षण दिखाई देने लगे हैं। लगभग 10 करोड़ रुपए का आवंटन इस योजना के लिए किया गया था, पारसी समुदाय की जनसंख्या में आ रही कमी को रोकने के लिए। पढ़ो परदेश योजना अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित जो मेधावी छात्र विदेशों में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके एजुकेशन लोन के ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए योजना लाई गई है, पढ़ो परदेश योजना। अगली योजना है उस्ताद। ये पारंपरिक कलाओं, शिल्प के विकास हेतु कौशल विकास एवं प्रशिक्षण की योजना है। इसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। हाल ही में इवांका ट्रंप के भारत दौरे के समय गुजरात की सदेली क्राफ्ट, सूरत की एक कला है जिसमें लकड़ी पर जियोमेट्रिक पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट को इसके अंतर्गत सृजित करने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है। सीखो और कमाओ
अल्पसंख्यकों का कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई है। नेक्स्ट, हमारी धरोहर योजना, अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध जो विरासत है उनको संरक्षित करने के लिए हमारी धरोहर योजना क्रियान्वित की जा रही है। उड़ान स्कीम के नाम से दो योजनाएं हैं, पहली जम्मू कश्मीर के युवाओं के कौशल विकास हेतु, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जरिए संचालित हो रही है। दूसरा, इंजीनियरिंग कॉलेजेज में गर्ल्स स्टूडेंट के कम नामांकन की समस्या के मुद्दे से संबंधित जो योजना है उसका नाम भी उड़ान स्कीम है, लेकिन ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ HRD के थ्रू संचालित हो रही है। ये ध्यान देने योग्य है। नई उड़ान, अल्पसंख्यक समुदाय के वही स्टूडेंट्स जिन्होंने UPSC, स्टेट PCSE या SSC की प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है, मेंस की तैयारी है, तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है नई उड़ान योजना के तहत। नेक्स्ट योजना है नई मंजिल योजना। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के साथ ही उन्हें अपना खुद का बिजनेस स्थापित करने में सहायता देने का मेन उद्देश्य है नई मंजिल योजना का। नई बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है नई रोशनी योजना। ये अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए लाई गई है। ऐसा माना जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं दोहरी वंचना का शिकार हैं, एक अल्पसंख्यक और दूसरा महिला होने की। ऐसी स्थिति में सरकार उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास के लिए इस योजना का संचालन कर रही है। नया सवेरा योजना, इस योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन वर्गों के अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए जो कमज़ोर आर्थिक स्थिति में हैं और जिसके कारण वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में समर्थ नहीं हैं, उन्हें निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद।